हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड उद्योगपति भंसाली का कोरोना केयर सेंटर खोलने का निर्णय। ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के साथ टाई अप। राजस्थान में कोरोना महामारी के संक्रमण एवं विशेषकर सिरोही जालौर जिले में संक्रमित मरीजों में निरंतर बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए एवं जिले में उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को देखते हुए आबू रोड स्थित भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड ने ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा संचालित ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर कोरोना केयर सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बाबूलाल भंसाली एवं ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक व ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर प्रताप मिंडा ने आपसी बातचीत कर यह निर्णय लिया है। उपरोक्त निर्णय के अनुसार सिरोही जालौर जिले के कोरोना पॉजिटिव पीड़ितों को मुफ्त इलाज किया जाएगा एवं ऑक्सीजन लेवल कम होने पर अथवा नाजुक स्थिति में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, जहां मरीजों का सारा उपचार निशुल्क होगा। अस्पताल में प्रारंभ में 30 बेड होंगे और प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर बेडों की संख्या में वृद्धि की भी जाएगी। अस्पताल में ECG, सिटी स्कैन, एक्सरे इत्यादि की व्यवस्था होगी। ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर तहल्टी आबू रोड पर कोविड केयर सेंटर अस्पताल की आगामी 24 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा एवं वर्तमान योजना के अनुसार आगामी 30 जून तक संचालित किया जाएगा। दवाइयां, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, स्वास्थ्य परीक्षण उपकरण, स्टाफ, सुरक्षा इत्यादि का सारा खर्च भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड द्वारा वहन किया जाएगा एवं कोरोना पीड़ितों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। कोरोना पीड़ित मरीजों को कोई भी किसी तरह का खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। जागरूक टीवी की सिरोही से खास रिपोर्ट।